Assalamualaikum Pakistan, this is Soha Chaudhary. जैसे कि आप जानते हैं कि Dealers League Season 6 अपने फिनाले में पहुंच चुका है. हर मैदान है हमसे सजता, जीत हमारी आदत है. आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान के टॉप क्रिकेटर्स मौजूद हैं. सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं इमरान नज़ीर साहब, उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं मोइन खान साहब, उन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे और आप सब के फेवरेट अब्दुल रज़ाक साहब. हमारे पास सीज़न 6 में टोटल 12 टीम्स थी. अब इन 12 टीम्स में से जो दो टीम्स बल्ला चला के फिनाले में पहुंची हैं, यकीनन उनमें कुछ तो ख़ास बात है. अगर हम देखें तो मेपल एक्स जो है वो बड़े ही धमाकेदार परफॉर्मर हैं, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करते आए. अब उनका मुकाबला होने जा रहा है मेपल दलेर के साथ, और मेपल दलेर भी किसी से कम नहीं है. अब हम सबसे पहले अपनी पहली फाइनलिस्ट टीम के बारे में बात करेंगे जो कि है मेपल एक्स. मेपल एक्स ने बड़ा ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया है थ्रू आउट टूर्नामेंट. हमने देखा है कि उन्होंने उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी थी, बैटिंग बहुत अच्छी थी, बॉलिंग बहुत अच्छी थी. इमरान से मैं इस पर क्वेंट लूँगी कि इमरान आप बताइए कि कैसे देख रहे हैं आप अब फिनाले में उनकी परफॉर्मेंस को, कैसे देख रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने थ्रू आउट टूर्नामेंट परफॉर्म किया है. बिल्कुल सोहा, देखा जाए तो मैं मेपल लीफ के साथ फर्स्ट सीज़न से हूँ और मोइन भाई भी हमारे साथ फर्स्ट टाइम आए हैं और आई थिंक मेरे ख्याल में आइए इनसे जानते हैं. जी मोइन भाई. नहीं, प्रीवियसली हमने देखी है मेपल एक्स की परफॉर्मेंस, नो डाउट पूरे टूर्नामेंट के अंदर. तूफान के साथ भी मैच बड़ा अच्छा जीता है, एंड देन अगेन मेपल सूरमा वाला रिकॉल करें अगर आप मैच, तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस. ओवरऑल एक अच्छी टीम है. देखा जाए थ्रू आउट पूरे टूर्नामेंट के अंदर जो मुकाबला है वो बहुत मज़ेदार हो रहा है. ऐसा नहीं है कि जो भी टीमें जीत के आगे पहुंच रही है उन्होंने एफर्ट किया है, यू नो. सो यहाँ पे अगर हम एक्स की अगेन बात करें तो एक टीम कंबाइन एफर्ट नज़र आ रहा है, टीम एफर्ट नज़र आ रही है, एक प्रॉपर टीम नज़र आ रही है जो कि लड़ रही है कि हम किसी तरह फाइनल तक पहुँच जाए. सो दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर अ टीम के जो फाइनलिस्ट होते हैं उनके लिए ये जो हिस्ट्री होती है ना वो यही प्रॉब्लम है जो पाकिस्तानी टीम में आजकल जो हो रहा है, उनके स्ट्राइक रेट कम है, इसलिए बेनिफिट जो नुकसान जो होता है ना पूरा पाकिस्तान की टीम को जा रहा है. जितनी डिस्कशन की है सबने, तमाम लड़कों ने, वकास ने परफॉर्म किया, जोएब ने परफॉर्म किया, एहसान ने. यहाँ पे अगर मैं ज़िशान बाबर की अगर बात करूँ तो दो ओवर्स में 3 विकेटें और 7 रन आउटस्टैंडिंग और 10 ओवर्स गेम में इतना अच्छा परफॉर्मेंस देना. अब जो मैटर करता है ना वो है फाइनल. फाइनल में किस तरह रिएक्ट करते हैं ये एज अ टीम, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, यू नो, फिर बात आ जाती है क्योंकि प्रेशर फाइनल का बहुत बड़ा प्रेशर होता है, यू नो. सो आई थिंक नो डाउट इनकी हिस्ट्री अच्छी रही है टूर्नामेंट की, लेकिन फाइनल का अपना एक प्रेशर है, यहाँ पे परफॉर्म करना इंपॉर्टेंट होगा. तो अगर किसी भी प्रेशर में आ गए तो मेरा नहीं ख्याल है कि फिर आई थिंक फाइनल मैच जीतना इतना आसान होगा. फाइनल में तो जो अच्छा प्रेशर हैंडल करे वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा. बिल्कुल. मोइन भाई से मैं जानूंगी. मोइन भाई, वकास शेर इनके बड़े ही एक जबरदस्त ओपनर बैट्समैन है और उनकी हाइट छोटी है लेकिन काम में बड़े हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं. फाइनल में उनकी परफॉर्मेंस कैसे देख रहे हैं? आई थिंक सबसे पहली बात है बैटिंग में कद नहीं देखा जाता, बैटिंग में बैटिंग ही देखी जाती है. वो छोटे कद के साथ बड़ी बैटिंग करते हैं, बैट का साइज तो ये सही. बिल्कुल. बट आई थिंक जितने भी छोटे कद के बैट्समैन है वो टॉप बैट्समैन रहे हैं पूरी दुनिया में. आप देख लें सचिन तेंदुलकर, हमारे ब्रायन लारा को देख लें, सुनील गावस्कर को देख लें, बहुत से ऐसे बैट्समैन गुजरे जो छोटी हाइट में, अनिक मोहम्मद साहब बहुत बड़े बैट्समैन. सो आई थिंक मैटर उस सूरत में जरूर करती है, लेकिन यहाँ पे स्पेशली अगर हम बात करें जिस तरह वकास शेर ने परफॉर्म किया है बैटिंग लाइनअप में, ये चूंकि ओपनर है, ओपनर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कोई भी टीम, यू नो. जैसे मैंने कहा है कि फाउंडेशन होती है exactly. तो ये इनका खड़ा रहना, इनका खेलना, इनका रन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा. और जुहेब को नहीं भूलना चाहिए कि जब छक्के लग रहे होते हैं तो ऑलमोस्ट जितने भी फील्डिंग साइड या बॉलिंग साइड होती है वो अंडर प्रेशर होती है. तो इनकी सबसे कामयाबी का यही राज है कि अगर ओपनर खेलते हैं तो 9-10 छक्के वो 9 बॉलों पर मार देते हैं, तो ये बड़ा एक प्लस पॉइंट. और इस दफ़ा एहसन जहांजेब के साथ एक बड़ा ही बैड लग रहा है क्योंकि हमने देखा है कि वो हमेशा हर सीज़न में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं. इवन सीज़न 4 में हमने देखा कि वो मैन ऑफ द सीरीज़ भी रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा उनके साथ एक बैड लक चल रहा है, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से वो हमेशा परफॉर्म करते हैं. तो अभी देख रहे हैं कि फिनाले में क्या वो उसको कवर कर जाएंगे, अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे. देखिए एज ए ओपनर अगर बात करें, देखो डिपेंड करता है कि प्लेयर्स की फॉर्म, अगर उनकी अगर फॉर्म देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी बुरी है.
अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये भी देखना होगा कि हमें फाइनल में ये इनकी फॉर्म अगर वापस आती है तो अपनी टीम के लिए मेरे ख्याल में ये बड़े की बैट्समैन गिने जा रहे हैं। नाउ आई एम जस्ट कंफ्यूज कि दोनों टीम्स इतनी ज़बरदस्त हैं, इस मुकाबले में होने क्या जा रहा है। अब्दुल रज़ाक साहब से मैं जानना चाहूँगी कैसे देख रहे हैं, कौन सी टीम किस टीम को टफ टाइम देने वाली है। देखें डीलर लीग में जितने मैचेस हो रहे हैं बड़े अच्छे हो रहे हैं और मैपल दरेर का जो मुकाबला मैपल जानबाज से हुआ है तो उन्होंने 63 रन पे उनको ऑल आउट कर लिया और पांच, अच्छी बात यह है कि पांच ओवर और पांच बॉलों में उन्होंने ये टारगेट पूरा किया। और उसके बाद उन्होंने मैपल दरेर का जो मैपल शेर के साथ मैच हुआ तो उन्होंने 99 पे उनको ऑल आउट कर लिया और वो भी 7 ओवर में कर लिया। देखा जाए तो बड़े टफ हो रहा है और मैपल दलेर जो है बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है तो मुझे उम्मीद है कि ये जो नेक्स्ट आने वाले मैचेस हैं और अच्छा परफॉर्म करेगी। जी बिल्कुल रज़ाक भाई, देखिए इसमें अगर मैपल दलेर की बात हम लोग करें तो उसमें जिस तरह उन्होंने लास्ट मैच में हरा के उस टीम को क्वालिफाई किया सेमीफाइनल के लिए और स्पेशली अगर मैं मलिक ज़ीशान की बात करूँ 10 ओवर्स के गेम में 2 ओवरों में 14 रन और 4 खिलाड़ियों को आउट करना, आई थिंक मेरे में आधी टीम तो वहीं पर वो कहते हैं ढेर हो जाती है। और यहाँ पे बड़ा अच्छा परफॉर्म किया अगर देखा जाए थ्रू आउट और जिस तरह ये फाइट करती आ रही है थ्रू आउट टूर्नामेंट तो होपफुली के काफ़ी चांसेस हैं कि फाइनल में भी टफ टाइम देगी मैपल एक्स को। एक फैक्टर जो है ना वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो हम सभी भूल रहे हैं यहाँ पे कि अभी तक जो दलेर की टीम है उनके टॉप बैट्समैनों ने रन कर दिए, ठीक है, उनके मिडिल ऑर्डर को चांस नहीं मिला यहाँ पे। बिल्कुल, अब यू नेवर नो फाइनल के अंदर अगर वो मिडिल ऑर्डर आके विदाउट एनी मैच वो आके कोलैप्स कर जाते हैं या ऊपर से इनके टीम आउट हो जाती है तो उनके ऊपर बड़ा प्रेशर आ जाएगा। जी बिल्कुल, सो मिडिल ऑर्डर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उनकी अभी तक पूरे टूर्नामेंट में बारी नहीं आई है। जैसे हम लास्ट डिस्कस कर रहे थे पॉइंट हम रेज किया, ओवरऑल अगर मोइन में देखी जाए पूरे वर्ल्ड में जो T20 है उसके बाद T10 है तो विकेटें इतनी ज़्यादा थ्रो नहीं कर रहे क्योंकि ओवर्स कम होते हैं, बैट्समैन का कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है तो इसलिए बैट्समैन ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। जैसे हम लास्ट बात कर रहे थे इससे पहले जो हम डिस्कशन कर रहे थे तो उसमें जैसे मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर की बात कर रहे थे हम मिडिल में कि उनका परफॉर्म करना बीच में बहुत ज़रूरी है। क्यों क्रिकेट में है कि आप मिडिल में अगर डेप्थ ओवर में जब तक अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे आप कभी भी अच्छा टोटल बोर्ड पर सेट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, बट यहाँ पर आप देखें ना इनके ऊपर टॉप बैट्समैनों ने इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया, कहने का मकसद यही था कि टॉप ऑर्डर जो फॉर्म में उनको चार्ज लेना पड़ेगा। yes. अतीक ने जिस तरह परफॉर्म किया, अतीक की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, पिछले मैच में क्वार्टर फाइनल के अंदर 39 रन्स किए उसने सिर्फ 11 बॉलों के अंदर, यू नो कि ये वो दुनिया क्रिकेट में भी हम लोग बैठ के मैच देखते हैं, इतने एनालिसिस चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं कि क्या हो रहा है क्या होने वाला है, यू नो, बट यहाँ इस क्रिकेट के अंदर आई मीन बिल्कुल सिनेरियो चेंज है, इतनी कम बॉलों में इतने ज़्यादा रन और स्ट्राइक रेट देखा जाए 354 की स्ट्राइक रेट से समझ से बाहर है। सो इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इन्होंने बैट्समैनों ने क्रिएट कर दी, स्पेशली अतीक ने, यू नो, सो टीम बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होगी तो फाइनल मुकाबला जो होगा ना वो कहना चाहिए कि सही हिसाब शिकन मुकाबला होना है। अच्छी बात है, हमने जितने भी अभी डिस्कशन की है बैट्समैनों की, उनका स्ट्राइक रेट किसी को 400 का है कोई 300 का है, तो जैसे अभी इमरान ने बात की कि डेथ ओवरों की, मैं समझता हूँ 10 ओवर में पहली बॉल से डेथ ओवर शुरू हो जाती है तो ये 50 ओवर की गेम नहीं है, 50 ओवर में देखा जाए तो आखिरी 10 ओवर में डेथ बॉलिंग होती है ना, तो यहाँ तो पहले बॉल से ही शुरू हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन देखो अगर बॉलर्स की बात करें तो देखो बॉलर्स ऑलराउंडर की शेप में है इस क्रिकेट में और जब तक आपके अच्छे ऑलराउंडर लाइक 6वां 7वां नंबर एक ऐसा है कि उसको बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छा बैट्समैन होना। जैसे अगर हम पहले एक बैट्समैन की बात करें जिन्होंने 8 बॉलों पे 23 रन्स किए थे, ज़ीशान समथिंग नाम था, तो कहने का मकसद है कि मिडल में आके ऐसा बैट्समैन आना, जैसे आप बात करें कि अगर ऊपर से ये क्लैप्स होते हैं तो नीचे वाले को भी जब मौका मिले तो वो भी इतने अच्छे रन्स करें ताकि अपना टोटल बोर्ड पे एक अच्छा सेट कर और ये नहीं बोलना चाहिए जो जो टीमें क्वालिफाई करती हैं तो प्रेशर बढ़ता जाता है। हाँ, वो तो डेफिनेटली राउंड के मैचों में उतना प्रेशर जैसे सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल या फाइनल में होता है। बिल्कुल अच्छी बात, मेरा ख्याल है सौरभ आपकी कंफ्यूजन जरूर दूर हो गई होगी। बिल्कुल, इनकी बॉलिंग भी बड़ी तगड़ी है। बिल्कुल मोइन भाई, आपने स्ट्राइक रेट की बात की थी तो इनके एक प्लेयर हैं वकास बट, मैंने अभी उनका स्ट्राइक रेट चेक किया, उनका स्ट्राइक रेट 490 है। आई एम जस्ट वेरी अमेज, इतना जबरदस्त स्ट्राइक, इट मींस कि वो सिर्फ चौके और छक्के ही मारते हैं। देखिए 10 ओवर्स के में आपको क्या चाहिए, देखे ना एक बैट्समैन को क्या चाहिए कि मैं अपनी टीम के लिए हर बॉल पे 4 या 6 रन मारूं और बॉलर्स की ट्राई होती है कि मैं हर बॉल पे विकेट लूं। और जिस तरह से आपने बात की वकास बट की, अगर आपको देखा जाए उसका स्कोर कार्ड देखा जाए तो 11 बॉलों पे 54 रन,
तो आगे दिस इज वेरी ब्रिलियंट दिलेर की बाकी उनके बैटिंग टॉप ऑर्डर तो एक जो सिर्फ पॉइंट हमने डिस्कस किया ना मिडिल ऑर्डर में अगर बैट्समैन प्रेशर ले जाते हैं तो आउट होने का उनका चांस है जल्दी अदरवाइज बॉलिंग ने भी दोनों मैचेस में पिछले उन्होंने ऑल आउट किए थे क्वार्टर फाइनल एंड द लीग मैच वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सेमीफाइनल बट आई थिंक जो बॉलर्स ने प्रीवियसली भी परफॉर्मेंस दी हुई है उनकी बॉलिंग भी बहुत तगड़ी ओवरऑल इट्स अ वेरी वेल कंपोज्ड टीम बॉलिंग बहुत अच्छी है और बैटिंग बहुत अच्छी है और आपने बात की थी कि इनका मिडल ऑर्डर को खेलने का मौका नहीं मिला है लेकिन इनके पास प्लस पॉइंट ये है कि इनके ओपनर्स बहुत अच्छे हैं ओपनर्स इतना अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं कि फिर मिडल ऑर्डर पर इतना प्रेशर नहीं आता एनीवेज तो अब फिनाले जो होने जा रहा है वो बड़ा ही ज़बरदस्त फिनाले होने जा रहा है और बड़ा ही ज़बरदस्त टाकरा होने जा रहा है मेपल एक्स के दरमियान और मेपल दलेर के दरमियान हमारे पैनल के लिए भी ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि फिनाले में कौन सी टीम बाजी ले जाएगी जी तो इस कड़े मुकाबले का फैसला होगा मेपल लीफ डीलर्स लीग सीजन 6 के फिनाले में जो कि होने जा रहा है 13 दिसंबर को जवारी क्रिकेट स्टेडियम मुल्तान में जहां होंगे हम इमरान नज़ीर मोइन खान अब्दुल रज़ाक आप सबके साथ तो आप फिनाले लाइव भी देख सकते हैं dholbajega.com पे ठीक 7:30 बजे तो अभी सब्सक्राइब करें मेपल लीफ के यूट्यूब चैनल को क्योंकि मैदान सजने वाला है